डू सब्सक्राइब प्रेस टाइम्स, कम बोलो सच बोलो। वेल, आज हम बात करने वाले हैं गोस्ट ब्रोकर की। हाँ, आपने सही सुना, भूतिया दलाल। खैर, ये किसी ब्रोकर की भटकती आत्मा नहीं है, ये एक तरह का स्कैम है जो कि US में काफ़ी देखा जा रहा है और इंडिया में भी काफ़ी तेज़ी से पैर पसार रहा है। तो उसके पैर पसारने से पहले हम लोग आपको इसके बारे में अवेयर करना चाहेंगे। वेल, गोस्ट ब्रोकर से मेरा मतलब यहाँ पर यही है जो आप सोच रहे हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने से, वह आपको फेक इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं काफ़ी चीप प्राइजेस पे और काफ़ी बड़े कवर दिखा के। एग्जाम्पल लेते हैं कार इंश्योरेंस का। अगर ये लोग टारगेट करते हैं ड्राइवर्स के एक बड़े बेस को जो लाइक टैक्सी ओन करते हैं या फिर इनके टैक्सी फॉर्म है और काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स, ये इनको टारगेट करके इन्हें काफ़ी चीप प्राइस पे काफ़ी सारे अच्छे कवर दिखाते हैं, लाइक टायर कवर, फुल बॉडी टू बॉडी कवर, थर्ड पार्टी कवर, फर्स्ट पैसेंजर कवर, फर्स्ट पार्टी कवर, इस तरह के ये सारे कवर दिखाकर उनको काफ़ी चीप दाम में एकदम एग्जैक्ट ओरिजिनल पॉलिसी जैसी पॉलिसी बनाकर भेज देते हैं। और ये स्कैम तब तक चलता रहता है जब तक या तो उनको कोई क्लेम नहीं आता या फिर उनको पुलिस वाला नहीं पकड़ता। काफ़ी सारे केसेस में इंश्योरेंस नहीं होने पर गाड़ी सीज भी हो जाती है। और जैसा कि अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, आपके माइंड में तो ये, मैंने इंश्योरेंस करा लिया, मुझे ये कवर है वो कवर है, उसके हिसाब से आप और ज़्यादा बेफिक्र हो गए, पर आपके साथ क्या होता है, बूम, वो इंश्योरेंस कंपनी तो फेक निकली और आपके ऊपर इतनी सारी लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी, जिसके लेकर आपके माइंड में तो आप प्रिपेयर थे कि इसके लेकर मुझे मेरे पर ऐसी कोई लाइबिलिटी खड़ी नहीं होगी क्योंकि मैंने इंश्योरेंस ले रखा था। पर अब इस केस में क्या हुआ ना, उन्होंने आपको फेक पॉलिसी दे दी, आप उसके भरोसे बैठ गए और आपका इंश्योरेंस और आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आप इंश्योरेंस का वो क्लेम नहीं ले पाएंगे। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिए, सर्टिफाइड और IRDA अप्रूव्ड कंपनियों से ही अपना इंश्योरेंस प्लान कीजिए। डू सब्सक्राइब प्रेस टाइम्स, कम बोलो सच बोलो।